डायमंड सिटी सूरत महानगर में आपका स्वागत है दोस्तों। फिलहाल सूरत में आ गए हैं और आज हम सूरत सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चलते हैं पूरा सिटी घूम के देखते हैं और यहाँ पे डुमस जो खास जगह है वहाँ पे भी जाएंगे और यहाँ से वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं सूरत के डुमस रोड पे हूँ और यहाँ पे एक खूबसूरत बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। देखो चार टावर बने हुए हैं, चारों टावर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अभी इसमें कुछ सफाई का काम चल रहा है। शानदार नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, रोड भी ज़बरदस्त है, देख लीजिए भाई। और यहाँ सामने ही फ्लैग लगा हुआ है तो शायद इधर कोई बड़ा ऑफिस या कोई रेलवे स्टेशन वगैरह होगा, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ये वाली जगह बहुत खूबसूरत है भाई, देख लीजिए, इट्स अमेजिंग। देश की आन बान शान तिरंगा झंडा आपको लहराता हुआ दिख जाएगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छी बिल्डिंगें भी हैं। अब हम इस तरफ जाएंगे और सूरत सिटी का ये एरिया काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई, मज़ा आ रही है सूरत घूमने का। मैं पहली बार आया, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम सूरत के खास जगह पे आ चुके हैं, इसको बोलते हैं डुमस रोड। और डुमस रोड पे एक बिल्डिंग है, पूरा एक बहुत ही बड़े जो शिप होता है उसके आकार की है और इसका व्यू ज़बरदस्त है। फोटोग्राफी करनी है तो बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। बिल्डिंग का नाम है मोंटेसा, द मोंटेसा, देख लीजिए भाई। लेट्स गो, कंटिन्यू करते हैं, पूरा सूरत को आज दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए हैं वेलकम टू स्मार्ट सिटी सूरत एयरपोर्ट के बाहर। एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, देख लीजिए भाई, यहाँ पे बड़ा सा गेट बना हुआ है डॉम और ये देखो ट्रैफिक जा रहा है। इस तरफ सूरत सिटी है और ये सूरत का नज़ारा भी। ये देखो भाई बोतलों से बना हुआ एक रोबोट जैसा कुछ। सूरत के डुमस बीच पे आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे भी काफी अच्छी रौनक है, अभी चल के फुल एंजॉय करते हैं और दिखाते हैं कि आपको सूरत का डुमस बीच कैसा है। पानी तो भाई बहुत दूर है, कीचड़ ही है पूरा यहाँ से। हमको आएगा यहाँ तक होगा। और यहाँ पे है दरिया के गणेश जी का मंदिर है। ये देखिए एटीवी बोलते हैं, ईटीवी बोलते हैं क्या, लाइन लगी हुई है यहाँ पे, कितने सारे हैं ऊंट घोड़े सब कुछ यहाँ पे मौज है। तो दोस्तों फिलहाल हम हैं सूरत के डुमस बीच पे और यहाँ पे अभी पानी है वो काफ़ी डीप अंदर चला गया है, लगभग 500-700 मीटर अंदर। और यहाँ पे पूरी मार्केट लगी हुई काफ़ी दूर तक और यहाँ पे आसपास कोई बोट नहीं है क्योंकि पानी यहाँ से डीप अंदर चला गया, इसलिए बोट नहीं है।
और उस तरफ आपको सामने दिखेगा वो हजीरा पोर्ट है, वहाँ पे दिख रहा है पूरा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे ऊँट राइड कर सकते हैं, हॉर्स राइड कर सकते हैं, फिर ये ATV वाली है ये राइड कर सकते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटी यहाँ पे होती है। पीछे बीच साइड का व्यू, और इस तरफ देखिए ये पत्थर की एक दीवार बनी है, इसके इस तरफ का व्यू देख लीजिए। अभी तो पानी सब नीचे गया हुआ है, लेकिन जब पानी ऊपर आता है ना तो पूरा ये पानी से भर जाता है। और यहाँ पे किसी ने आई लव यू बना दिया है। और ये सामने देखो वहाँ पे बर्ड्स दिख रहे हैं आपको, बोट दिख रहा है पूरा, जेटी है वो है, और ये पूरा खूबसूरत सिटी इस तरफ है। सूरत और इसमें करते हैं कुछ खरीदारी। तो भाई फिलहाल सूरत के डिकैथलॉन में आ चुके हैं, जहाँ भी जाते हैं ना डिकैथलॉन को हम जरूर चेक करते हैं, यहाँ से कुछ लेना है तो चल के अभी दिखाते हैं आपको। तो ये अच्छा जाए। लो भाई ये है डूमस रोड पे डिकैथलॉन का बहुत बड़ा स्टोर, और ट्रैकिंग के लिए सब कुछ सामान यहाँ पे मिल जाता है, हम लोग तो यहीं से ख़रीदारी करते हैं। तो भाई हमें एक फ्रंट में जो बैग था वो नहीं था मेरे पास, तो एक बैग ले लिया 500 का। काफ़ी सारे बैग अवेलेबल है, लेकिन ये वाला अच्छा है। एक्चुअली मैं पहले ही सोच के आया था ये वाला बैग मुझे लेना है, बाकी बैग पैक के लिए पीछे वाला बैग तो था ही था, लेकिन ये वाला एक छोटा बैग ले लिया। इसमें बोतल चार्जर वगैरह कुछ भी सामान रखना हो या बड़ा बैग रख के जाना हो तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए मैंने ये ले लिया। चलो और हम घूम के देखते हैं। कोई ना आत्मा नहीं आती, बोल भाई इससे अच्छा तो नहीं खेले तो बढ़िया है। मुझे तो डर लग रहा है इसमें। बहुत सारी मस्ती मजाक के बाद डिकैथलॉन से सिर्फ एक बैग लिया और महेश भाई ने काफी सारा सामान खरीदा, और अभी हम चलते हैं सिटी में सूरत। महेश भाई आपने कितना बिल खरीदा? 1000 रुपये का बिल हुआ था। 1000 का? हाँ। मेरा 500। ठीक है चलो। अब आगे हम बॉम्बे मार्केट, ये सूरत की सबसे पुरानी और कपड़े की मार्केट है, उसमें चलते हैं। लोग सब खरीदारी करने यही आते हैं भाई साहब। लास्ट में घूमते घूमते पूरा सूरत घूम लिया वो, अब आए हैं नाश्ता करने कैलाश स्वीट एंड रेस्टोरेंट से वहाँ पे। तो यहाँ के सूरत की फेमस है गाड़ी, पिस्ता गाड़ी, ये खाते हैं और आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये देखो मिठाई की दुकान है भाई, यहाँ पे नाश्ता किया भाई, बहुत महंगा तो है लेकिन बोल रहे कि अच्छे आइटम में बनाते, अब देखो क्या होता है। डैडी तो भाई फिलहाल तापी नदी के किनारे सूरत में है भोलेनाथ का मंदिर। इसको कौन सा मंदिर बोलते हैं?
ललितेश्वर करमनाथ मंदिर। तो करमनाथ मंदिर के ठीक पास देखिए कैसा शानदार व्यू है नदी का, ब्रिज, अंदर कुछ मच्छी मारे हैं और बहुत सुंदर नज़र आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जरूर आए, जब भी सूरत आते हैं ना तो इस जगह पे ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे देखो बैठने की अच्छी व्यवस्था है और बहुत सुंदर और शांत परिसर है, आपको प्रकृति और नेचर से जुड़ा हुआ नज़ारा देखने को मिलेगा। तो भाई पूरे दिन घूमते हुए शाम हो गई है और अब आपको एक चीज देखने को मिल रही है, डायमंड वाले लोग अभी पूरे रोड पे, देखो पब्लिक 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 और सभी बाइक वाले, दिखा रहा हूँ आपको सीन। अभी नीचे ब्रिज के उस तरफ भाई देखो ये सूरत का हाल है, शाम के 7 बजे कहीं निकलने का नहीं। ये देखो भाई फ्रूट मार्केट का नज़ारा है और यहाँ पे देखो आपको पूरा माथे ही दिखेंगे, हेड ही हेड दिखेंगे और कुछ नहीं। ये है सूरत की फ्रूट मार्केट। तो भाई अभी हमारा सूरत का पूरे दिन का टूर अब यहाँ आके खत्म जाएंगे। यहाँ पे खाना खाने के लिए होटल गोपनाथ काठियावाड़ी रेस्टोरेंट, कौन सी जगह पे, कामरेज और वरासा के कामरेज कामरेज और वरासा के बीच में, ये हाईवे के पास में ही होटल है, तो वहाँ पे खाना खाएंगे। हमारे महेश भाई MR7 Digital और विवेक भाई भी, ओके हम लोग खाते हैं खाना खाना खाते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। भाई देखो यहाँ पे खाने का सिस्टम देखिए, ऊपर भी है और नीचे भी बैठने का खाने का, मज़ेदार है। आओ मेहमान आपके लिए गादला तैयार है, यहाँ बैठिए। चलो भाई फाइनली अब हमने खाना वाना खा लिया यहाँ पे और अभी वीडियो को एंड करते हैं। हमारे महेश भाई अभी यहाँ से जा रहे हैं और विवेक भाई तो अभी हमारे साथ में ही हैं, ओके विवेक भाई तो महेश भाई को रजा देते हैं और इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। आज पूरा दिन हमने सूरत में मौज करी, बहुत मज़ा आया, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रखी, पूरा सूरत को खोर दिया, गुजराती में बोले तो एक्सप्लोर कर दिया। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए, BansiBishnoi290 MR7 Digital फूड का चैनल है तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। विवेक भाई का तो आपको पता ही है, अलम विथ नेचर, हाँ अभी नाम बदल जाएगा। ओके चलो पीछे मिलते हैं, हाँ पक्का, बाय बाय।